जाति जातिवाद एक बड़ा जहर है। युवक को थाने में और वहाँ पे जेल के अंदर पीट पीट के मार डाला गया और ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती हैं। हरिद्वार के अंदर एक 13 साल की बच्ची के साथ कई लोगों ने बलात्कार किया। बहन कुमारी माता जी ने 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन SC ST OBC के लोगों को, जो भूमिहीन लोग थे, उनको देने का काम किया था। लेकिन आज शिक्षा का बाजारीकरण किया गया, शिक्षा को तमाम सरकारों ने पीछे गरीबों से धकेलने का काम किया। आज शिक्षा गरीबों से बहुत दूर होती नजर आ रही है। आंदोलन में लाखों बच्चों के ऊपर मुकदमे किए गए, लेकिन सरकार से मैंने कई बार आग्रह भी किया है कि उन मुकदमों को खत्म कर दे। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर, राष्ट्रपति जी के भाषण में विकसित भारत की बात करी गई, लेकिन विकसित भारत की बात तब तक अधूरी है जब तक संविधान के चारों पॉइंट जो प्रियम्बल में लिखे हैं पूरे नहीं किए जाते हैं। सामाजिक न्याय, जस्टिस में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय आज भी इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को नहीं मिला। मान्यवर, इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि रिजर्वेशन में, प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो बिल पेंडिंग पड़ा है उसे पूरा कराया जाए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दिया जाए, और साथ ही विकसित भारत की बात इस देश में तब तक नहीं हो सकती जब तक हम शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ेंगे। जितने भी इस देश बाहर की कंट्री हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, उनके पास एजुकेशन के दम पर, साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर आगे बढ़ी हैं। लेकिन आज शिक्षा का बाजारीकरण किया गया, शिक्षा को तमाम सरकारों ने पीछे गरीबों से धकेलने का काम किया। आज शिक्षा गरीबों से बहुत दूर होती नजर आ रही है। इस पर भी मैं सरकार से आग्रह करूंगा, शिक्षा को लेकर के गरीबों की शिक्षा फ्री की जाए। साथ ही जातिवाद एक बड़ा जहर है। जब तक सोच विकसित नहीं होगी, जातिवाद से बाहर नहीं निकलेंगे, तब बात नहीं बनने वाली। पूरे देश के अंदर जातिवाद की घटनाएं बढ़ी, अत्याचार की घटनाएं बढ़ी। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक दलित युवक को थाने में और वहाँ पे जेल के अंदर पीट पीट के मार डाला गया और ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती हैं। मान्यवर, एक दुर्भाग्य की घटना घटी हरिद्वार के अंदर। एक 13 साल की बच्ची के साथ कई लोगों ने बलात्कार किया। ये घटनाएं दुखद है मान्यवर, इस पर भी सरकार को रोक लगाना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति देश में नहीं होनी चाहिए। और मान्यवर, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से इस देश के जो दलित और आदिवासी है वो सरकारी जमीनों पर मकान बना कर रहता है, उनके पास कोई कागज नहीं है, दशकों सदियों से रहते हैं, लेकिन सरकार ने पिछले कई सालों से सरकारी जमीन खाली कराने के नाम पर बुलडोजर से मकान तोड़ दिए और वो बेचारे बेघर हो गए। दलितों के मकान तोड़े गए, आदिवासियों के मकान तोड़े गए, मुसलमानों के मकान तोड़े गए। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार पूरे देश की है, जनता की है, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो पिछड़े समाज का हो। मानवर, लास्ट में कहना चाहता हूँ, किसान सम्मान निधि अच्छी बात है, लेकिन कभी आपने सोचा, किसान सम्मान निधि तो ठीक है, लेकिन कभी आपने सोचा जो कृषि में जो काम करते हैं कृषि श्रमिक, जिसे खेतिहर मजदूर कहते हैं, वो सिर्फ 2-3 महीने की इनकम पर डिपेंड करते हैं। मान्यवर, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो खेतिहर मजदूर है, कृषि श्रमिक है, उनको भी किसान सम्मान निधि की तरह कृषि श्रमिक निधि देने का सरकार काम करे। और साथ ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि SC ST जो हैं, आर्थिक न्याय कैसे मिलेगा? SC ST OBC के लोगों को उनके अपने पैर पर खड़ा करना पड़ेगा। कई दशियों साल से इस देश के अंदर SC ST लोगों को कहीं पट्टे नहीं दिए गए, जमीन के पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 से 2012 के बीच में ये बहन कुमारी माता जी ने 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन SC ST OBC के लोगों को, जो भूमिहीन लोग थे, उनको देने का काम किया था। मान्यवर, मैं यही सब बातें आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। साथ ही एक लास्ट पॉइंट मान्यवर मैं कहना चाहता हूँ, 2018 की घटना, जब SC ST Act को खत्म किया गया, सुरक्षा कवच को खत्म किया गया, तो वहाँ पे आंदोलन हुआ। आंदोलन में लाखों बच्चों के ऊपर मुकदमे किए गए, लेकिन सरकार से मैंने कई बार आग्रह भी किया है कि उन मुकदमों को खत्म कर दे। जब आपने बात को मान लिया है, SC ST कानून को वापस भी कर दिया, तो उनके ऊपर लगे मुकदमे वापस कर दे। ये मेरी सरकार से अनुरोध है आपके माध्यम से। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद माननीय श्री राम जी।